आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोतवाली पुलिस ने जिला प्राधिकरण के नाम से अवैध वसूली करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों के नाम के कुटरचित दस्तावेज बनाकर अवैध वसूली करते थे। आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों से प्राधिकरण की फर्जी मोहर, लिफाफे, 12,000 की नकदी, एक मोटरसाइकिल और एक व्हीलचेयर को कब्जे में लिया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि कुछ दिन पूर्व जिला विकास प्राधिकरण के सचिव एनएस नबियाल की ओर से पुलिस को तहरीर सौंप कर बताया गया था कि उन्हें एक दुकान का नोटिस प्राप्त हुआ है जो कि जिला प्राधिकरण की ओर से जारी नहीं किया गया है। सलीम नाम के एक व्यक्ति की ओर से प्राधिकरण का फर्जी नोटिस बनाकर एक व्यक्ति को डराया धमकाया जा रहा है जिससे जिला प्राधिकरण की छवि भी धूमिल हो रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी सलीम और उसके साथी वरुण बांध को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कई लोगों को जिला विकास प्राधिकरण का फर्जी नोटिस जारी कर अवैध वसूली कर चुके हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। रुद्रपुर से हमारे संवाददाता स्पर्श अग्रवाल की रिपोर्ट। छवि खराब करने वाले ऐसे लोग और ऐसे कृत्यों के ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। आज इसमें हमारा रुद्रपुर की थाना पुलिस टीम को बहुत अच्छी सफलता मिली है जिसमें SHO, चौकी इंचार्ज, CO, हमारा SP सिटी सभी का टीम को हमें यह जानकारी में आया था कि विकास प्राधिकरण, जिला विकास प्राधिकरण के नाम पे कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा फर्जी नोटिस भेजा जा रहा है। पूरा प्राधिकरण का सील, सर्वे, मोहर सब लगा के एक व्यक्ति को, एक फर्म को, बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है मतलब अकबर टूल्स करके, उनको ये नोटिस भेजा इन्होंने। नोटिस भेजने के बाद जो है वहाँ पे गए, प्राधिकरण के रिप्रेजेंटेटिव बन के भए, तो उसके बाद उनको उगाही करने का पूरा वो करा। 2.5 लाख रुपए की उस नोटिस में लिखा था 2.5 लाख रुपए की जुर्माना है अन्यथा ध्वस्तीकरण होगा करके। और उसके बाद डर दिखाया प्राधिकरण का, उसके बाद वो डरी भी गया तो पहले उसने 12,000 दे भी दिया। जो प्राधिकरण में प्राधिकरण इनकी गलती ये हो गई, पहले इन्होंने पोस्ट से भेजा था एक नोटिस, उसको वो वापस चला गया प्राधिकरण को। इसी बीच में प्राधिकरण ने हमको हाईलाइट कर दिया, ये तो हमारा नोटिस ही नहीं है करके। तत्काल मैंने निर्देश दे दिया और मेरे निर्देश पे FIR कायम होता है और CO, SP और SHO ने अच्छा काम करते हुए पूरी टीम ने पूरी इसका पूरा कहानी का पर्दा उठाया है जिसमें अकबर टूल्स का जो वादी है, जो पीड़ित है बेचारा, उसकी सारा बयान रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद हमने इन दोनों अक्यूज को हमने अरेस्ट किया है। ये साथियों बताता हूँ, दोनों जो है तथाकथित पत्रकार की आड़ में वो करते थे, लेकिन वो एक्सटॉर्शन करते थे। और ये भी जानकारी है हमें, कई सारे लोगों को इन्होंने ऐसे ही ब्लैकमेल किया है, ये तो पहला है। इसके ऊपर 9 मुकदमे हैं, 9 मुकदमे हैं एक्सटॉर्शन 420 सभी का। टोटल 2 अभियुक्त आज अरेस्ट हुए हैं, एक सलीम खान है पुत्र गुलाम नबी, दूसरा है वरुण, है ना, वरुण बांध। ये दोनों जो है शातिर अभियुक्त है, दोनों के ऊपर विभिन्न मुकदमे हैं, ठीक है। एक के ऊपर तो 9 मुकदमे हैं और गैंगस्टर भी लग चुका है। इस प्रकार जो है एक्सटॉर्शन करना, वो भी प्राधिकरण के नाम पर दिन दहाड़े, तो ये बहुत ही मतलब डेयरिंग मतलब और बिल्कुल ब्रूटल, मतलब ऐसा मान लीजिए कि भाई कोई डर ही नहीं है इस प्रकार की एक्सटॉर्शन करना प्राधिकरण के नाम पर, ये कतई भी हम सहन नहीं करेंगे। इस प्रकार के जो भी कृत्य ये सब कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। आज एक्सटॉर्शन की मुकदमा लिखा गया है। इन्होंने एक्सटॉर्शन में जो प्रयोग किया था, जो वाहन है, जो गाड़ी है, वो सब बरामद हुआ है। और सर्वे मोहर है, मोहर जो लगाया था इन्होंने, वो भी बरामद हुआ है। खाली लिफाफे प्राधिकरण का, वो भी बरामद हुआ है। एक प्रति नोटिस का बरामद हुआ है, पैसे भी बरामद हुआ है 11,000 रुपये। 12,000 रुपये जो ले गए थे उसमें 11,000 रुपये पैसे भी बरामद हुआ है। तो ये भी जानकारी में आया कि बहुत सारे लोगों को इसने लुभाया है इसी परिणाम पर, वो सब भी इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। टीम की बेहतर काम के लिए 1,500 रुपये का कैश रिवॉर्ड है और टीम को आगे इन्वेस्टिगेशन जो है SP और CO जो है अच्छी नेतृत्व में करेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।